इससे पहले हमने आपके सामने रखा कि टॉप 10 ड्रॉपआउट प्लेयर्स टू वॉच आउट इन नेपाल टी20 लीग, जहां वो वीडियो हमने आपके सामने रखा था, ऊपर नेपाल टी20 प्लेलिस्ट में आ रहा होगा ये वीडियो। इस वीडियो को जाके आप जरूर सबसे पहले सुने, और उसमें हमने कुछ पूछा भी है और बहुत अच्छे से समझाया भी है कि ड्रॉपआउट प्लेयर्स कौन से वो रहेंगे जिन पर नजर रहेगी और किन वजहों से रहेगी, वो भी आपके सामने हमने रखा। उसके बाद एट द एंड हमने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, एक क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा है उसका जवाब भी प्लीज जरूर जाकर दीजिए, और उसके बाद आप इस वीडियो को आकर सुन सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉपआउट प्लेयर्स की बात की है तो एक और सेक्शन बनता है, वो है न्यूकमर्स। न्यूकमर्स हमारा मतलब है जो यंग प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने लिए अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं नेशनल टीम में, या फिर वो प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं टी20 आई में अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए हैं। तो ये सात प्लेयर्स का सेक्शन रखा है कि सात वो प्लेयर्स कौन से हैं जिन पर कम से कम डेली क्रिकेट की नजर रहने वाली है इस नेपाल टी20 लीग में एज ए न्यूकमर के तौर पर, टी20 आई में जब नेशनल टीम की कॉल अप के लिए अगर वो आप खुद की दावेदारी जो है वो कहीं ना कहीं टी20 लीग से रख पाए। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इन सात नामों में सबसे पहला नाम आप कौन सा देखते हैं और क्यों? बिल्कुल, सबसे पहला नाम जो है वो हरिशंकर शाह, जी हाँ, जो टीम से जुड़े, उन्होंने वनडे भी खेले, 3 ODI में भी आया, खैर वो अलग बात है, वहाँ पर वो ODI में उनको रखा गया। और अब यहाँ पर T20 का मामला आ जाता है, जो कि ये लेफ्ट हैंडेड तो बैट्समैन है ही, और उसके बाद राइट आर्म बॉलर भी है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर इनके पास बहुत बड़ा एक दावेदार के तौर पर यहाँ पर ये उभर सकते हैं कि किस ग्राउंड पर, अगर इनको सबसे पहले तो ये देखना होगा हमें कि जो टीम है वो इन्हें कहाँ भेज रही है, कहाँ किस ग्राउंड भेज रही है, और उसके बाद ये परफॉर्म कैसा करते हैं। हो सकता है कि शायद ये T20 के लिए इनके यहाँ से दरवाजे खुल जाए, होपफुली कि अगर आपने चलिए आपने शायद वनडे में आपसे शायद नहीं हो पा रहा, शायद वो भी सिर्फ तीन ही मौके मिले, बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद हो सकता है कि वहां पर नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर अगर मौके मिल जाए आपको और आप उस मौके को भुना पाए अच्छी तरह, तो बहुत बेहतर होगा कि शायद फिर समझ में आएगा कि चलो आप T20 में शायद आप थोड़े से बेहतर है आप 50 ओवर के मुकाबले। बिल्कुल, और एक चीज और होगी ना कि अगर आप यहाँ पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज और होगी कि आप कम से कम नेशनल टीम के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। जी हाँ, कि हमने कई प्लेयर को देखा है जिन्होंने मैचेस तो खेले थे लेकिन वो ऐसा टीम से बाहर हुए कि 7-7 महीने तक वो टीम से बाहर ही चल रहे हैं। कम से कम आप एक फॉर्मेट में खुद को अपनी नेशनल टीम के साथ चिपका कर मजबूती से रखने में कामयाब होंगे, इसीलिए हमारी नजर हरिशंकर साहब पे रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने T20 आई में डेब्यू नेपाल के लिए किया नहीं है। तो इसी लिहाज से हरिशंकर साहब पर नजर रहेगी कि वो T20 क्रिकेट में किस तरह से यहाँ पर खेलने वाले हैं, किस तरह से या खुद को ढालेंगे, किस तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनके तरफ से हमें देखने को मिलेगा, ताकि कम से कम वो नेशनल टीम के साथ खुद को और स्ट्रांगली जोड़ पाए और फिर धीरे धीरे अपने 50 ओवर क्रिकेट में वो काम जरूर करें। से ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी आप फेलियर हो गए और आप ODI में भी आपको 3 मौके मिले वहां पर भी आप कुछ खास कर नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको मौके मिले थे और उसके बाद आपको स्क्वाड से निकाल दिया गया और आप लंबा फिर बाहर हो गए, फिर एक 6-7 महीने के लिए गुमनाम नाम बनकर रह गए, जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रह गए हैं ऐसे, उसमें से एक सुशांत धारी भी जरूर हो जाते हैं, और अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हरिशंकर साहब एक क्लियरली नजर रहेगी एज ए न्यू कमर T20 आई में, हम देखना चाहेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में वेरिएशन होना ये अपने आप में एक एडवांटेज तो है, साथ साथ में बोनस भी होता है। और दूसरी बात कि आप प्लेयर्स के माइंड से खेलते हैं कि उनको अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग तरीके वाले बॉलर्स का सामना करना होता है एक ओवर बाद कर। तो एम ये चीज हम लगातार बहुत पहले से कह रहे थे और अभी भी हम उस पर कायम है और हमारी नजर फिर से उन प्लेयर पर रहने वाली है। एम वो प्लेयर कौन से? बिल्कुल, ये प्लेयर है दुर्गेश गुप्ता, जी हाँ, जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि इनके बारे में थोड़ा कहना ज़रूर चाहेंगे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमें तो ऐसे ही लगा है कि इस बैट्समैन के सामने शायद लेफ्ट आर्मर एक पेस बॉलर होता तो बेटर होता, वो स्ट्रगल ज़रूर करते, राइट हैंडेड बैट्समैन है अगर आपके सामने, क्योंकि जब लेफ्टी बैट्समैन होते हैं तो आम पर इतनी दिक्कत या इतनी परेशानी कहना होगा आती नहीं है, इतनी परेशानी आती ज़रूर है पर जितनी राइट हैंडेड बैट्समैनों को आती है उससे थोड़ी कमी आती है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को। पर अगर आपकी टीम में ये हो तो एग्जैक्टली कि एक होना चाहिए कि लेफ्ट आर्म पेसर हो तो क्या फ़र्क डाल सकता है। आप अगर राइट हैंडेड बैट्समैन सबको मार दे रहा है, स्पिनर्स को खेल ले रहा है, काफ़ी लंबा वक्त पिच पे गुजार चुका है, तो लेफ्ट आर्म पेसर से उसको ट्राई किया जा सकता है, फंसाने के लिए ट्राई किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें वीकनेस होती है बैट्समैनों की
कि हाँ यार लेफ्ट आर्मर है इसका, हाथ पढ़ने में अब अजीब लगेगा, कहाँ से लेके आ रहे हैं, कौन सा वॉबल सीम पकड़ रहे हैं, क्रॉस सीम पकड़ रहे हैं, सीम से डाल रहे हैं, यही सब समझने में आधा टाइम बैट्समैन का निकल जाएगा। और राइट हैंडेड के क्या है, वो जानते ही है कि अच्छा ये तो ऐसे ही डालेगा या तो ऐसे ही निकालेगा, ऐसे ही करेगा। तो ये चीज़ें होती है कि अब डिफरेंट बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर नेपाल के पास तो ढेरों हैं जी हाँ, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर सॉरी कोई भी नहीं है, कोई आता ही नहीं है या किसी को लिया ही नहीं जाता, इसको छेड़ा ही नहीं जाता, इसको दूर ही रखा जाता है। अरे लेफ्ट आर्म पेसर का करेंगे क्या, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर का लेके अब तक क्या हुआ है टीम में, ये भी सोचने वाले। बिल्कुल, आप इस वेरिएशन को क्यों पता नहीं इग्नोर कर रहे हैं लगातार काफी वक्त से, और लगातार हम ये काफी वक्त से कह भी जा रहे हैं कि लेफ्ट आर्म पेसर कम से कम आप इंक्लूड करने की कोशिश जरूर करिए टीम में, ताकि आपकी वेरिएशन बनेगी और वापस से कम डेली क्रिकेट की नजर यहाँ पर दुर्गेश गुप्ता पर जरूर रहने वाली है। उसके बाद अगर अगले प्लेयर की यहाँ बात करें हम तो सुनम गौतम जी हाँ, उन पर भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी, राइट हैंड बैट है और राइट हैंड ऑफ ब्रेक कहीं ना कहीं डालते हैं, तो कहीं ना कहीं नजर पर रहेगी कि आखिर ये किस तरह से इस नेपाल T20 लीग में परफॉर्म करते हैं। कुछ सुना जरूर है इनके बारे में, अब देखने की बारी है क्योंकि अब हम देखेंगे लाइव क्या कि सुनम गौतम किस तरह के प्लेयर है और क्या कर सकते हैं, क्या इनकी कैपेबिलिटी है, कितना कैलिबर है इनका, ये सब अब कम से कम हमारे लिए पर्सनली देखने की बात अब जरूर आ जाती है। एंड उसके बाद चौथे प्लेयर है, किस तरह के वेरिएशंस वगैरह हैं। बिल्कुल, सूर्य तबाग अगला नाम है जी हां, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये हम कभी शायद निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और अब यहां पर एक नया फॉर्मेट, नया तरीका, नया गेम अपना दिखाने का, प्लेयर्स आपके पास होंगे, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप यहाँ परफॉर्म करें और अपना नाम बोर्ड तक पहुँचाएं, कप्तान तक पहुँचाएं, यानी कि रोहित कुमार जो टीम के नेशनल कैप्टन है उन तक भी ये जाए कि भाई ऐसे ऐसे प्लेयर हैं। तो जितना ज़्यादा आप नए प्लेयर्स आकर खलबली मचाएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो फिर टीम को दो भागों में बांटने में आसानी होगा, यानी कि भागों में मेरा मतलब है कि T20 आएगी कम से कम अलग और ODI की कम से कम अलग, जब तक परफॉर्म नहीं करते तो ये बहुत बेहतर मौका है यहाँ आप परफॉर्म करके जी। उसके बाद बात करें अगले प्लेयर की तो वो आते हैं संतोष कार की जी हाँ, इन पे भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी, राइट हैंड बैट और राइट आर्म ऑफ ब्रेक कहीं ना कहीं हो जाते हैं, ये भी PM कप में थे लेकिन वो 50 ओवर क्रिकेट था, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि इस T20 फॉर्मेट में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एंड जो T20 का PM कप हुआ था T20 फॉर्मेट में इसी साल मेरे ख्याल से, तो उसमें क्या लगता है आपको, उसमें भी खेले थे? जरूर जी हाँ, और देखिए परफॉर्म जरूर किया था, अच्छा कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक में, लेकिन आपको उसका भार उठाने की जरूरत है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, ये एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, जो आपसे ऊपर वाले टीम में पहुंच गए हैं नेशनल टीम में, थोड़ा सा रहता ही है कि वो जमा के बैठ जाते हैं जी, थोड़ा निकालने में आपको क्या करना होगा, तो ये जो प्लेयर हमने नाम लिए हैं खासकर हरिशंकर शाह को छोड़ के, क्योंकि उनका तो हो चुका है ऑलरेडी, ODI में हुआ है, T20 में नहीं लेकिन हो चुका है, पर आप जो छह जने हैं, एक का नाम अभी बाकी है, तो आप छह जनों को एक्स्ट्रा काम करना होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप जरूर जो वहां पर जमे हुए कुछ प्लेयर है उनको निकाल सकते हैं जी। अगर आप ये सोचेंगे हमने 5 मैचों में 150 रन मार दिए, 2-3 विकेट ले लिए, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसे कि आयन एक लाइन बहुत अच्छी कही, एक लाइन आयन ने बहुत अच्छी कही, जो आप शायद बात से समझ पाएंगे कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एवरेज परफॉर्मेंस करके भी अपनी जगह जमा कर बैठे रहते हैं, उनको हटाने के लिए हर जगह क्वेश्चन पुट ऑन भी करने के लिए माइंड में सिलेक्शन कमेटी के, आपको कुछ सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दिखाना होगा, तभी कुछ खलबली मच सकती है। उसके बाद अगली प्लेयर की बात करें तो सिद्धांत लोहानी जी हाँ, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका PM कप में रहा था, और अब कहीं ना कहीं बारी है कि कम से कम T20 लीग में एक बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूटिलाइज करें और कहीं ना कहीं नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश जरूर करें, और कम से कम क्वेश्चन मार्क तो डालें, टीम में जगह बने ना बने क्वेश्चन मार्क डालें, यूटिलाइज करें, परफॉर्मेंस करें, कम से कम डेली क्रिकेट की नजर आप पे जरूर इस बार रहने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा प्लेयर? बिल्कुल शेर मल्ला जी हाँ, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी है ये बॉलर, तो भाई आप भी जरा ताबड़तोड़ परफॉर्म करिए, आपका नाम भी हमारे इस लिस्ट में है न्यू कमर में, उम्मीद करेंगे कि आप, क्योंकि हमारी नजर बहुत रहने वाली है आप साथों पर, ये खासकर हमारी पूरे पूरे 7 जनों पर, और जो पहले हमने एक वीडियो बनाया उन 10 पर भी काफी नजर रहेगी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि न्यू कमर्स उन जगहों पर कैसे, क्योंकि एक्चुअली में दिक्कत क्या है, हर टीम में
बड़े मार्की प्लेयर भी हैं जो वहाँ नेशनल टीम में ऑलरेडी हैं जी हाँ। अब आपको यहाँ जितने मौके मिलेंगे, और चार ओवरसीज प्लेयर वो तो अलग ही रखिए, उनको तो मौके मिलेंगे ही मिलेंगे, अब आपको यहाँ पर जितना भी बचा है, जितना परसेंट भी, उसी में करके दिखाना है कि आपको दो ओवर मिल रहे हैं या एक ओवर के लिए बैटिंग मिल रही है, तो सॉरी भाई बहाना तो नहीं चलेगा, उसी में करके दिखाना होगा जो करके दिखाना है। बिल्कुल क्लियर कट है। और कहीं ना कहीं पीएम कप में भी आप थे इस बार द्वितीय ओवर में, तो कहीं ना कहीं उसमें ऑन ऑफ ऑन ऑफ परफॉर्मेंस था, लेकिन इस बार यहाँ पर देखना होगा किस तरह से परफॉर्मेंस आपकी रहती है। और ये सात प्लेयर्स पे क्लियर कट नजर रहने वाली है, और खास करके जो छह बाकी प्लेयर्स हैं हरिशंकर शाह के अलावा, इन पर तो बहुत ज्यादा नजर क्रिकेट की रहेगी। इसमें आपसे पहले ही कहा कि आपका टी20 देखने का शायद जरिया या तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारा देखने का तरीका कुछ और होगा। हम न्यू कमर्स पे, यंग प्लेयर्स पे किस तरह से प्लेयर काम कर रहे हैं, जो प्लेयर ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो काफी वक्त से टीम में बाहर है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये ध्यान रहेगा। और खास करके नेशनल प्लेयर जो रहेंगे टीम में, जो टी20 की नेशनल टीम में इस वक्त मौजूद है, जो लास्ट स्क्वाड रहेंगे, उन प्लेयर्स पे इस तरह की चीजों पर हमारी ज्यादा नजर रहेगी। ग्रास रूट लेवल पर हमारी नजर ज्यादा रहने वाली है, ये नहीं कि कौन से ओवर सीन आके कितने छक्के मार दिए, वो जाहिर सी बात है, वो आप एज अ फैन अपने एंटरटेन हमारे यहाँ पर भी, मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्लास या लिस्ट में जो भी आप कह डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, ऐसे ऐसे परफॉर्मर है, इतना उन्होंने रन मारे हैं कि अगर आपको बता दिया जाए तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा एवरेज वाला प्लेयर अभी तक नेशनल टीम में जगह क्यों नहीं बना पाया। तो आपको स्थान आपको उठाने की बहुत ज़रूरत है, आप कर रहे हैं काफ़ी लंबे वक्त से, हमने खुद आपको फॉलो किया है काफ़ी टाइम से, और तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके दिखाइए, आप करना पड़ेगा आपको, आप काफ़ी टाइम से है डोमेस्टिक फॉर्म जी हाँ। और जैसे हमने जैसे फिर से वही कहूँगा, वापस से कहूँगा कि कुछ गद्दियाँ ऐसी होती हैं जहाँ मुझको हिलाने में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बहुत ही एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जमा के बैठे होते हैं। तो वक्त आ गया है सिद्धांत, आप भी और बाकी सारे प्लेयर आप इस मौके को भुनाएं और सबल तरीके से परफॉर्मेंस दे। तो ये सात प्लेयर्स की भी पर कंप्लीट परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या ये इस मौके को भुना पाए या फिर नहीं, कहां पर चूके कहां पर नहीं, ये सारी चीजें टी20 लीग खत्म होने के बाद आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। और फिलहाल और नजर इन पर लगातार हमारी मैच टू मैच बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको क्या लगता है इन सात में से दो प्लेयर, जी हां सिर्फ दो प्लेयर बताइए वो कौन है जो पूरी तरह से आपको लगता है 101% इन टी20 लीग के मौके को जबरदस्त तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सिर्फ वो चलना वाला नहीं, वो आप समझ गए होंगे हम किस तरह से बात कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में इस टी20 लीग को यूटिलाइज करने में कामयाब रहेंगे, वो दो प्लेयर कौन से हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए। और अगर आप वीडियो से हमारे सहमत है, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। नेपाल टी20 लीग की कवरेज लगातार जारी है, 10 ड्रॉप आउट प्लेयर्स का वीडियो जाकर देखना मत भूलिएगा।